इधर जो छोटा सा एलिमेंट होगा एक, उसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे फोर्स लग रहा होगा, किधर को लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा फोर्स। समझ में आ रही मेरी बात? ये एंगल थीटा हमें पता है, क्यों पता है? क्योंकि हमको बता रखा है इसका सेंटर कहाँ है, डी पर, तो ये हमको मालूम है डी, और रेडियस भी दे रखी है हमें इसकी ए, तो अपन को टेन थीटा तो मालूम है ही सही, कितना है ए बाय डी, राइट? थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, राइट? इधर वाले पे देखेंगे अंदर की तरफ जा रहा है करंट, किधर को आएगा फोर्स, लाइक दिस एफ। किधर लग रहा होगा फोर्स? अब रेडियल तो इनवर्ट सारे कैंसिल हो रहे होंगे, किधर लग रहा होगा? सिर्फ अब फोर्स कितना आ रहा होगा, बी आई डी एल, राइट? और इसका कौन सा कंपोनेंट काम का है? सिर्फ साइन थीटा। और इसको जोड़ लेंगे अपन, जोड़ेंगे तो बी आई टू पाई ए बन जाएगा, साइन थीटा 10 थीटा साइन थीटा, ये भी कहां लिख पाओगे आप जैसे लोग, मैं लिख देता हूं, पूरा कॉपी करिए आराम से, राइट? बढ़िया सवाल इसलिए क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी है इसकी, बाकी दम बिल्कुल नहीं है सवाल यदि सॉल्व कर ले करने बैठेंगे तो, राइट? प्रेजेंटेशन बहुत सरप्राइजिंग है कि क्या कर। और ये थी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो अभी तक अपने पढ़ी थी वो थी यूनिफॉर्म। इसमें जीरो नहीं कह सकते अपन कि भाई एल वेक्टर जीरो हो जाएगा, जेके वेक्टर जीरो हो जाएगा ना, अरे घूम फिर के वहीं आओगे तो फोर्स जीरो नहीं है यहां पे, नॉन जीरो, क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो क्लोज लूप पे वर फोर्स जीरो आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? आगे बढ़े? श्योर? नो डाउट्स? कुछ भी पूछना हो तो बोलिए। नहीं, चलिए फिर मैग्नेटिक मोमेंट वाली बात कर लेते हैं। इसमें ज्यादा सवाल होते नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैकेनिक्स बेस्ड सवाल है कि उसको टांग दिया, लटका दिया, ऐसे ही सब है, कुछ भी मतलब कोई दमदार सवाल नहीं है कि अपन को कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना। मैकेनिक्स के सवालों में एक एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ा दिया, उतना ही किया बस। बढ़ू मैं आगे? सो हियर वी गो। क्या करना था? ऑलराइट, यदि हमारे पास में एक ऐसा लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर फोर्स आएगा जीरो। क्यों? क्योंकि हम करने जाएंगे बी आई डी एल वेक्टर का सम, तो कितना आएगा फोर्स? ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि हम घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाएंगे, तो डीएल वेक्टर विल बी जीरो, राइट? और ये ऐसी चीज है जिसको खूब पढ़ा जाता है, खूब पढ़ाया जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। इस पर जेई में भी कई बार सवाल आए, राइट? इनफैक्ट आई वुड एडवाइज अगली क्लास के लिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मार के आए, राइट? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एनसीईआरटी का चैप्टर 5 में अर्थ मैग्नेटिज्म दे रखा है, उसकी भी रीडिंग मारेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, क्लासिकल मैग्नेटिज्म नहीं, अर्थ मैग्नेटिज्म, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की भी उसी में मार लेंगे रीडिंग, तो फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा। ठीक है, दोनों उसी में मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं वही पढ़ा रहा हूं। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें, इस सिचुएशन से कैसे डील करें? तो इसमें तो फोर्स तो जीरो है, फिर इसमें पढ़ने को क्या है? फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता, इसमें इनफैक्ट कपल आता है। कपल याद है आपको? राइट, फोर्स जीरो हो और टॉर्क जीरो ना हो, ये वो वाला केस बन जाता है,
राइट तो इसका सबसे सिंपल उदाहरण लेते हैं। पहले अपन लूप का सबसे सिंपल उदाहरण होगा लूप का, एक रेक्टेंगुलर वायर कैरिंग करंट आई। किधर किधर आ रहे हैं फोर्सेस, चेक किया? यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसमें फोर्स कितना है? जीरो। इसमें भी जीरो, लेकिन इस पे आउटसाइड, इस पे इनसाइड, देख रहा है अंदर की तरफ। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? पक्का श्योर? तो डीएफ या एफ लिखेंगे। यदि इसको अपन ने एल वन कहा, इसको एल टू कहा, तो एफ आ जाएगा बी आई एल वन, राइट। और ये फोर्स जो आएगा बी आई एल वन, ये डॉग प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये बी आई एल टू भी डॉग प्रोड्यूस करेगा, बी आई एल वन भी एक और डॉग प्रोड्यूस करेगा। सेंटर ऑफ मास अपन को मालूम नहीं कहां पे, पर मान लेते हैं अपन यहां से एक्स पे, यहां पे सीएम है, तो इसका टॉर्क आ जाएगा इनटू एक्स, और इसका टॉर्क आ जाएगा बी आई एल टू इंटू एल वन मतलब एल वन इंटू एल टू माइनस एक्स, और दोनों टॉर्क जुड़ रहे हैं, सेम सेंस में आ रहे हैं, तो आप टॉर्क देख सकते हैं बी आई एल वन एल टू आता है। इसको पढ़े लिखे लोग कई बार बी आई ए कह देते हैं, कई बार एन टाइम्स आई कर देते हैं। एन टाइम्स क्यों? क्योंकि यदि लूप्स यहां पे एक से ज्यादा टर्न हुए तो वो भी अकाउंट में आ जाए, इसलिए कर देते हैं। समझ में आ रही है क्या मेरी बात या नहीं आ रही है? राइट। लेकिन इसका जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज एम क्रॉस बी, वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट विच इज एन आई ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगी हमको? हाउ विल बी नो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर? करंट के सेंस में सीधे हाथ की उंगलियां घुमाइए और आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट है अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है ये। तो आप देख सकते हैं एम क्रॉस बी मतलब ऐसा टॉर्क आ रहा था जो इसको उठा के ऐसे पलटता, जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा ही टॉर्क आ रहा है जो इसको उठा के ऐसे बाहर की तरफ पलट रहा है। यू कैन चेक दैट। समझ में आई बात या नहीं आई? श्योर? कुछ भी पूछना हो? एनीथिंग? नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, यदि हम कैसा भी लूप ले ले, इस शेप का भी, ये तो 2D है, या फिर हम 3D लूप भी ले ले, अब जो मैं कैसे बनाऊंगा यहां पे, ऑलराइट, सब में फॉर्मूला यही आता है टॉर्क का एम क्रॉस बी, ऑलराइट। कैसा भी शेप हो टॉर्क इसके ऊपर यही लगेगा। फिर से याद दिला दूं, क्लोज लूप के ऊपर फोर्स कितना आएगा? जीरो, लेकिन टॉर्क कितना आएगा? एम क्रॉस बी, चाहे शेप कैसा भी हो, राइट। उसमें लॉजिक क्या लगाते हैं वो समझाने के लिए पहले मैं एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपको लगेगा लॉजिक सीखना तो सिखा देंगे, हालांकि लॉजिक की जरूरत नहीं है, राइट। याद है सवाल आज लिया था अपन ने, उसमें यहीं तक ही छोड़ा था, कंप्लीट कर दिया इसको, राइट। मैग्नेटिक फील्ड वही ले लेते जो पहले थी, आई कैप माइनस के कैप, ऑलराइट। और इसके ऊपर आपको टॉर्क बताना है कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का।